जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग पर। शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरे जितने भी शेरो शेरनी हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट एग्जामिनेशन की, आप सभी के लिए ये जो सेशन है बहुत खास होने वाले हैं। अब से आज आप सभी के लिए मैं 15 दिन 15 जो मैराथन है वो लेकर आ रहा हूँ, 15 क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। इन क्लासेस के अंदर मेरी कोशिश हमेशा से ये रहेगी कि मैं आपका पूरा पूरा जो पेडागोजी और जो कंटेंट का सेक्शन है पूरा कवर अप करा दूं। टारगेट लेंगे 30 आउट ऑफ 30 का। अभी ये जो 5 दिन होने वाले हैं, ये 5 दिन आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। इन 5 दिनों में 5 मैराथन लेकर आ रहा हूं जो पेडागोजी पर आधारित रहेंगी, जहां हम टारगेट करेंगे 15 आउट ऑफ 15, यानी 15 आउट ऑफ 15 का। डबल आवाज आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। वेट अ मिनट, नहीं नहीं डबल आवाज तो नहीं आना चाहिए बेटा, एक बार चेक करिए। चेक करिए एक बार, यहां से तो बंद है, एक बार चेक करें। क्लियर है ना, सब कुछ परफेक्ट है? ओके, तो डबल आवाज कहां से आ रहा है भाई? चलो क्लियर, सब कुछ परफेक्ट। चलिए तो स्टार्ट करेंगे अपने आज के सेशन की, और सभी एक बार जोश और जुनून के साथ बोलेंगे कि यस सर, वी आर रेडी फॉर द सेशन। और शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की इन बेहतरीन लाइंस के साथ कि जीवन में एक बार जो फैसला कर लो, जीवन में एक बार जो फैसला कर लो तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। आपने अपना जो टारगेट सेट कर दिया है, एक एक सपना जो आपने संजो लिया कि ये मुझे पाके रहना है ना, वो आपकी ड्रीम जॉब हो या कुछ भी हो सकता है, फिर बस ठान लो और पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं रचा करते, पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं रचा करते। और आप यहां पर आए हैं इतिहास रचने के लिए, क्योंकि अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो हम इतिहास रचेंगे नहीं, सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएंगे। तो हमें इतिहास बनकर नहीं रह जाना, हमें से इतिहास रचना भी है सर। चलिए तो शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन की। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है मैथ्स बाय हिमांशु सर, तो उसको आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी के लिए आज के सेशन में पेडागोजी का काम तमाम करेंगे। जी हां, पेडागोजी का काम तमाम करेंगे, खल्लास करेंगे मामला। चलिए भाई शुरुआत करते हैं, तैयार हो जाओ। और अगर अभी तक आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट एग्जामिनेशन की, बीपीएससी टीआरई 3.0 की, बीएस टेट की यानी बिहार एस टेट की, डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर झारखंड टीचर की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी बैचेस आपके लिए सुपर कोचिंग पर अवेलेबल हैं। आपके लिए नंबर भी दे रखा है, डेट इज द ऑफिशियल नंबर। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके इन सभी पेड बैचेस से जुड़ सकते हैं, एंड यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है, विद द कोड डेट इज हिमांशु HIMANSH। इस कोड को अभी आप यूज करके, ठीक है, और मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन की। और पहला सवाल ये रहा आपके सामने, देखिए क्या कह रहा है बेटा। कह रहा है बाला का जो कंसेप्ट है वो यूनिसेफ के द्वारा इनिशिएट किया गया था, यानी यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया था, उसकी जो फुल फॉर्म है यानी जो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है वो क्या होगी? तो विकल्प आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है। अब इस सवाल पर आते हैं, तो बाला की अगर हम बात करते हैं तो बाला बेसिकली है क्या? तो बेटा हम इसको कहते हैं बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी आपके जो स्कूल हो गए, आपके जो विद्यालय हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, ठीक है। खैर अभी तो हम यहां पर विद्यालय के स्कूल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो जो भी आपका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, उनकी बिल्डिंग की वॉल्स हो गई, फ्लोर हो गया, रूफ हो गई, उन सबको एज अ लर्निंग एड यूज करना। कैसे? आपको दिखा भी देते हैं, समझते हैं इन चीजों को। जैसे मान लीजिए इस तरीके से ये आपके सामने दीवारें दिख रही हैं, अब यहां से बच्चे होते हुए चलते हुए जाएंगे, है ना, तो बच्चे यहां पर देखेंगे कि यहां पर लिखा हुआ आओ बच्चों स्कूल चले, है ना, आओ स्कूल चले हम, तो अच्छी अच्छी जो बातें होती हैं, सुविचार हैं, यहां पे पोयम हो सकती है, कविताएं हो सकती हैं, तो बच्चा इन दीवार यहां से होते हुए जा रहा है अपनी कक्षा की ओर और दीवारों पर भी पढ़ता हुआ जा रहा है। तो मतलब जो वो जो सीखना है ना, वो इन दीवारों के माध्यम से भी
सीखता हुआ जा रहा है, अभी कक्षा में पहुंचा भी नहीं है, लेकिन जब भी वो इस यहां से होकर गुजरेगा तो उसके अंदर ये जो बातें हैं ये समाएंगी, क्योंकि वो हमेशा उनको देख रहा है, उनको पढ़ रहा है, उनको अपने जीवन में फिर वो अपनाएगा। अब जैसे बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं तो पीछे दीवार पर क्या है, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जो है आपको यहां पर बना हुआ है। अब बच्चा चाहे भी या ना चाहे उसके अंदर जो यूनिवर्स के प्रति जो जागरूकता है, जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा, उसको देख उसको ये होगा अरे ये कैसे है, ये कौन सा प्लैनेट है, ये कौन सा ग्रह है। तो कलरफुल चीजें जब बच्चा देखता है ना दीवारों पर क्लासेस पे, तो अट्रैक्ट होता है। अब हमेशा जैसे मैं रहा था, मतलब मैं तो आपको सच सच बताता हूं, जैसे मैप होता था ना, जो नक्शा होता था, मानचित्र होता था, तो मैं उसे हमेशा देखकर ना घबराता था यार, मतलब इसको कैसे याद करूं मैं, ये कहां पर है, पंजाब कहां पर है और आपका सिक्किम कहां पर है, कैसे याद करूं। तो यहां पर क्या है ना कि शिक्षिका क्या कर रही है, उन्होंने एक फ्लोर पर इस तरीके से पूरा का पूरा कलरफुल मैप बना दिया। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट को यहां पर खड़े कर दिया, तो मैंने चिंटू को यहां पे खड़ा कर दिया और सोना को यहां खड़ा कर दिया और बोला चिंटू बताओ आप कहां पर हो, चिंटू बताएंगे कि मैं यहां पर हूं, मान लो जी पंजाब का स्कूल है, पंजाब का ही मैप है, तो बोल देगा मैं लुधियाना में हूं, वो बोलेगी मैं होशियारपुर में हूं। तो मतलब बच्चा क्या कर रहा है ना कि इसके माध्यम से वो जो मैप है, मानचित्र है, उसको भी अच्छे से समझ पा रहा है। तो एज अ फ्लोर को भी इन्होंने यूज कर लिया लर्निंग एड, है ना। चलिए तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है प्राथमिक स्तर पर आकृतियों के निम्नलिखित में से किस पहलू पर विचार नहीं किया जाता है, आपसे यह पूछा जा रहा है, जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा सभी के सभी। चलिए तो हमेशा बात ध्यान में रखिएगा, जब हम प्राथमिक स्तर की बात करते हैं यानी कि प्राइमरी लेवल की बात करते हैं तो हम किसके पहलू पर विचार नहीं करते। अब देखिए जी चौपड़ पढ़ाया जाता है, समिति भी पढ़ाया जाता है, पैटर्न भी पढ़ाया जाता है, कोण की पूरी समझ होनी चाहिए बच्चे को, और ऐसा नहीं होता तो यानी कि कोण की समझ नहीं होती, तो यानी कि कोण हमारा आंसर हो जाएगा, सही है क्या, है ना। बाकी सबकी जो समझ है वो यहां पर हम देते हैं, पूर्ण जानकारी हम बच्चे को देते हैं, पैटर्न, सिमेट्री और चौपड़ यानी कि टेसिलेशन, ठीक है ना, जिसको हम लोग, और चौपड़ के साथ साथ हम इसको टाइलिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइलिंग भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन कोण की समझ नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था, इसमें कोई बात होनी नहीं चाहिए। आगे हम समझते हैं कि टेसिलेशन प्राथमिक स्तर पर शुरू किया जाता है। अब टेसिलेशन प्राथमिक स्तर पर क्यों शुरू किया जाता है, इस बात को हमें समझना होगा। सबसे पहली बात कि टेसिलेशन होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे घर का जो फ्लोर होता है, वो जो हमारे घर का फ्लोर है ना, वहां पर भी अगर आप देखोगे आपकी टाइलिंग वाला जो फ्लोर है जहां पे टाइल्स लगी हुई है, तो वो टेसिलेशन ही है, उसी को हम टाइलिंग कहते हैं, समझ रहे हैं बात को। जैसे मान लीजिए मैंने इस तरीके से मैं आपके सामने टेसिलेशन का मैं आपको एक यहां पर बताता हूं किस तरीके से हम टेसिलेशन करते हैं। देखिए इसे मान लीजिए आपका ये फ्लोर है ना, अब इस फ्लोर पर मैंने क्या करा, मैंने फ्लोर पर इस तरीके से टाइलिंग करनी है, ठीक है, तो टाइलिंग कर दी तो मतलब क्या हो रहा है, देखिए मैं स्क्वायर टाइलिंग कर रहा हूं, तो स्क्वायर टाइलिंग में क्या होगा, आपने देखा है कि टाइलिंग कभी एक के ऊपर एक लगती है नहीं, साइड बाय साइड लगती है, आपने देखा होगा साइड बाय साइड इस तरीके से टाइलिंग होती है ना, इस तरीके से दो तीन, उसमें बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं होता है ना, बिल्कुल गैप नहीं होता, तो इसी को हम लोग बेटा टाइलिंग कहते हैं, कि ना तो जहां गैप हो और ना ही जहां पर ओवरलैपिंग हो, कहीं पर भी क्या होगी, ओवरलैपिंग यहां पर नहीं होगी। तो इस तरीके से आप ये देख पा रहे हो, ये आपकी क्या है, टाइलिंग है, ये मैंने जो आपके सामने बना रहा हूं डेट इज द स्क्वायर टाइलिंग, ये वर्गाकार चौपड़ है ना, दैट इज द स्क्वायर टाइलिंग, इसको हम वर्गाकार चौपड़ भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं इस तरीके से। इसका एक जीता जागता उदाहरण होता है चेस बोर्ड, आप शतरंज खेलते हो ना, उस शतरंज की वो जो किताब सी होती है उसको इस तरीके से खोल लेना, या शतरंज का जो भी पैड होगा आपका, ठीक है, कुछ का कुछ वुडन से खेलते हैं, तो उसको आप देखना, वो जो पूरा पूरा जो आपको दिखेगा ना, दैट इज स्क्वायर टाइलिंग, क्योंकि उनमें जो बॉक्सेस होते हैं ना तो ओवरलैप होते हैं और ना ही उनमें गैप होता है, वो साइड बाय साइड इस तरीके से सटे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। तो कह रहे हैं कि जब प्राथमिक स्तर पर हम बच्चे को यह पढ़ाते हैं, तो बच्चे को हम क्यों पढ़ाते हैं, तो पहली बात
वह बच्चे में स्थानिक समझ विकसित करने में मदद करता है। जी बिल्कुल सही बात है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, स्थानिक समझ विकसित होती है ना, कि भाई स्थानिक समझ कैसे विकसित होगी, कि हम उसको बता रहे हैं कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए, है ना, साइड बाय साइड होना चाहिए, तो बच्चा समझेगा अच्छा इसका स्थान यहां पर, इसका स्थान यहां पर, यानी स्थानिक समझ जो है उसके अंदर विकसित होगी। और स्थानिक समझ हमेशा वहां विकसित होती है जहां बच्चा चीजों को विजुलाइज कर सके, है ना। आगे, यह छात्र को 2D और 3D आकृतियों की समझ विकसित करने में मदद करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने वर्गाकार चौपड़ बनाया, मैं त्रिभुजाकार चौपड़ बना सकता हूं, मैं 3D चौपड़ भी बना सकता हूं, जी हां, तो यह सारी की सारी आपकी जो आकृतियों की समझ होगी बच्चे को, है ना, बच्चे के अंदर विकसित होगी। आगे, समरूपता की अवधारणा को समझने में मदद करता है। देखिए जी, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट भी यहां पर उसका डेवलप होगा। मान लीजिए अगर मैं यहीं पर बिठा इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो मैं कहूंगा कि जहां मैंने जो लाइन बनाई है क्या जैसा इधर है वैसा ही इधर दिख रहा है आपको, मतलब मैं अगर मैं इस की बात करूं तो वो बच्चा कहेगा हाँ दिख रहा है। तो फिर मैं बच्चे को समझाऊंगा, इसी को हम सिमेट्री कहते हैं, कि अगर मैं इस लाइन के अबाउट देखूं तो जैसा लेफ्ट वैसा राइट, यानी इसको हम सिमेट्री कहते हैं, समरूपता कहते हैं। तो इसकी अवधारणा को भी बच्चा अच्छे से समझ पा रहा है। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, ऑल द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ऑल द अबव। ठीक है जी, डी आपने सही आंसर किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हर एक सवाल को ना समझते हुए चलेंगे बेटा, हर एक सवाल को ना समझते हुए चलेंगे। देखिए आंसर तो आपको हर कोई बता देगा, लेकिन अगर जब तक आपको समझ नहीं होगी ना, तब तक आपको परीक्षा में वो कंठस्थ नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा, अब भूल जाएंगे। तो वो समझ हमें रखनी बहुत जरूरी है बेटा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि TLM कक्षा चौथी के छात्रों को यह बताने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, है ना, सबसे उपयुक्त है। अब देखिए, डाइंस ब्लॉक है, नंबर चार्ट है, एबकस है, या फिर 10x10 स्क्वायर ग्रिड है, क्या लगता है आपको क्या होगा? अब पता है, देखो कई किताबों के अंदर ना, कई बुक्स के अंदर भी, इवन कई वेबसाइट्स पर भी मैंने देखा संख्या चार्ट यहां पर दिया हुआ है, नंबर चार्ट यहां पर दिया हुआ है, तो पता नहीं कैसे दे दिया। भाई देखो, समझ होनी चाहिए ना इन चीजों की भी। अब जैसे मान लीजिए हम 10x10 स्क्वायर ग्रिड बनाना चाहते हैं, तो 10x10 स्क्वायर ग्रिड कैसे बनेगा, 1, 2, 3, 4 है ना, इसमें यहीं पे बना देते हैं 10x10 स्क्वायर ग्रिड, यहीं पे बना देते हैं। तो क्या करते हैं कि इस ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है ना, एक तरीके से इसको हम 10 हिस्सों में बांट देते हैं। देखो 1, 2, 3, 4 ठीक है, 5, 6, 7, 8 ठीक है, और 9 और 10। देखो बट गया क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो पहले मैंने 10 ऐसे हिस्सों में बांटा, अब मैं 10 ऐसे हिस्सों में बांटूंगा, तब ये 10x10 स्क्वायर ग्रिड कहलाएगा। तो हमने देखा कि 1 हो गया, 2 हो गया ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और ये 9 हो गया, और 10 हो गया। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज 10x10 स्क्वायर ग्रिड, परफेक्ट है। अब यहां पर अगर मैं बच्चे के सामने 10x10 का स्क्वायर ग्रिड रख दूंगा, फिर बच्चे को समझाऊंगा, बेटा जी 1/10 किसको कहेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि एक ये जो पूरी चीज है इसको मैंने 10 बराबर हिस्सों में बांटा। तो देखो 10 बराबर हिस्से या तो ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, अब ये आपके ऊपर है। मान लीजिए मैं ऐसे लेता हूं, तो 10 बराबर हिस्सों में बांटने का मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से मैंने बांट दिया। अब ये कहने का मतलब ये होगा कि मैं 10 हिस्सों में से एक हिस्से की बात कर रहा हूं, यानी अगर ये सारे के सारे 10 हिस्से हैं तो इसमें से एक हिस्सा क्या कहलाएगा, ये पूरा पूरा, ये 10 हिस्से हैं, इनमें से एक हिस्सा 1/10 कहलाएगा। फिर मैं 1/100 की बात करूंगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1/100 का मतलब है इस पूरे हिस्से को आपने 100 बराबर हिस्सों में बांट दिया, और अब आप 100 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से की बात कर रहे हैं, तो 100 बराबर हिस्सों में से अगर मैं एक हिस्से की बात करूंगा तो ये रहा एक हिस्सा, कहीं से भी एक हिस्सा उठा सकते हैं, तो ये प्रदर्शित कर रहा है 1/100 को। तो बच्चा देख के समझ जाएगा, अच्छा ये छोटा है ये बड़ा है, यानी 1/10 क्या है, बड़ा है 1/100 से। तो जो 10x10 का स्क्वायर ग्रिड है ना आपका, ये आपको अच्छी समझ देगा बच्चे को समझाने में कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बेटा जी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। जियोबोर्ड इज अ मैथमेटिकल मैनिपुलेटिव टूल दैट कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। आपसे कहा जा रहा है कि जो जियोबोर्ड है यह गणितीय जोड़ तोड़ है जिसका उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सवाल आपके सामने है, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए
सर थोड़ा धीरे धीरे बोलिए प्लीज। अच्छा आवाज तेज आ रही है। संगीता कह रही है ये तो रिकॉर्डेड क्लास है। फिर हमने आपका नाम कैसे ले लिया, रिकॉर्डेड क्लास है। अच्छा तो मैं ये भी कह रहा हूं कि रिकॉर्डेड क्लास भी है तो कोई और थोड़ी पढ़ा रहा है बेटा, मैं ही तो पढ़ा रहा हूं और तुम्हें पढ़ने से मतलब है, है? हालांकि रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है, मतलब हम पढ़ाने में बिजी हैं, संगीता आप अपने ही संगीत में बिजी हो, है बेटा मैं पढ़ा रहे बिजी हूं, अब जरूरी थोड़ी है मैं सबका नाम लूंगा, है ये है संगीता, है ये है हमारा अजय पिकाचू, ये है हमारे सक्षम, ये है अमृता, ये है नूर सबा, तो बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, पढ़ो आप आराम से। चलो देखो बत्ती भी चली गई। चलो आओ जरा, आपको ये चाहिए सर ना, आपके घर पे आ गया, आपके पास बैठ के पढ़ाएं तभी फील होगा, चूटी काट के पढ़ाएं, हाँ मैं हूं। हाँ देखो आपको कह रहे हैं कि हाँ तो किसके लिए उपयुक्त है, अब देखो यहां पर ना ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा इन ऑप्शंस को समझाने से पहले मैं आपको पहले बताना चाहूंगा जियो बोर्ड होता क्या है। देखिए बेटा एक इस तरीके से बोर्ड होता है, यहां पर क्या होता है इस तरीके से ना पिन, यानी पिन कह लो या आप कीले कह लो, इस तरीके से यहां पर गाड़ दी जाती है या फिर पिन जो है यहां पर डाल दी जाती है, और यहां पर ये थ्रेड है, धागा हो सकता है या रबड़ हो सकती है, उसके माध्यम से हम अलग अलग आकृतियां बनाते हैं। हम जैसे यहां पर उन्होंने आयत बनाया, रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, तो आप समझ पा रहे हैं कि यार यहां से बच्चों को 2D शेप्स की समझ होगी, लेकिन 2D ही बना पाएगा, दो आयाम की ही आकृति बना पाएगा, 3D नहीं बना पाएगा, क्यों, क्योंकि एक प्लेन फिगर है, एक प्लेन है, और प्लेन पर हमेशा 2D फिगर ही बनती है, 3D नहीं बनती, दो आयाम की समझ होगी पहली बात। दूसरी बात, अब जैसे उसने बच्चे ने यह बनाया तो इसके माध्यम से बच्चा यह कहेगा, अगर स्केल यानी पैमाना ले तो पैमाने से यह मापेगा, अच्छा ये चौड़ाई हो गई, ये मापेगा, अच्छा ये लंबाई हो गई, ठीक है ये चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गई, लंबाई हो गई, तो यहां से वो इसका परिमाप माप सकता है। परिमाप क्या होता है, बाहरी भुजाओं की लंबाई का योगफल, तो परिमाप निकाल सकता है। यहां से वो क्या निकाल सकता है, परिमाप निकाल सकता है, क्या क्षेत्रफल भी निकाल सकता है, हाँ लंबाई पता है चौड़ाई पता है, सूत्र लगाएगा लंबाई चौड़ाई से, लंबाई गुणा चौड़ाई से क्षेत्रफल निकाल लेगा। ऐसी अगर मैं यहां बात करूं तो यहां ऊंचाई निकाल लेगा और यहां पर ये आपकी चौड़ाई निकाल लेगा, पैमाना है ना उसके पास, तो यहां से क्षेत्रफल निकाल लेगा, परिमाप निकाल लेगा। तो कहने का मतलब कि जियो बोर्ड जो होता है ये परिमाप निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए, दो आयाम की आकृतियों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहां पढ़ लेते हैं, कहता है इसका उपयोग वर्ग जैसे दो 2D आकृतियों की समझ देने के लिए किया जाता है, आयत त्रिकोण आदि, लेकिन 3D के आकार के लिए नहीं, है ना। आगे कहता है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए क्या है, यह सहायक है, जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये था। अब यहां पर आ जाते हैं, तो जी कह रहा जी फाइंडिंग एरिया ऑफ द पॉलीगन, हां जी बिल्कुल सही बात है, क्षेत्रफल निकालने के लिए, परिधि निकालने के लिए, 2D आयाम की समझ देने के लिए, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहां पे करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अगला सवाल ये आपके सामने, जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। चलिए आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा सभी के सभी। बेटा देखो क्या कह रहा है, कहता है गणित में निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग दृष्टिबाधित छात्रों के लिए नहीं किया जाता है। अब हमेशा बात ध्यान में रखो, जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आता है कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए नहीं किया जाता, इसका मतलब यह होगा कि उस शिक्षण अधिगम सामग्री में दृष्टि का उपयोग होगा, इसलिए वो उनके लिए नहीं किया जा सकता। यानी आप उसको सिर्फ विजुअली ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके अलावा आप कर ही नहीं सकते उसका उपयोग, तो वो कौन सा है। तो अगर हम यहां पर आते हैं, टाइल्स नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जियो बोर्ड अभी बताया ये तो हेल्पफुल होता है, टेलर्स अबेकस इज ऑल्सो यूज फॉर विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स, राइट। तो कहने का मतलब यहां पर इसको हम गिन तारा भी कहते हैं बेटा, अबेकस को, होता के ये स्ट्रिंग्स होती है, वहां मोती पड़े होते हैं, बीड्स पड़ी होती हैं, तो उसका यूज होता है। लेकिन जो जियो जेब्रा है ना, ये हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, जब आप बच्चे को 2D और 3D शेप्स को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं,
यानी जो मुश्किल आकृतियां होती हैं, दो आयाम तीन आयाम की आकृतियों को, उनको सरल रूप से बच्चों को विजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि दिखाकर कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन के सामने अब बच्चे को हम उसको दिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये पूरा पूरा जो है ये विजुअली एक तरीके से TLM होने वाला है। तो यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि दृष्टि बाधित के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो सी विल बी द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव संख्याओं का सबसे उपयुक्त प्रतिनिधित्व है? जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए सुमन, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो पांच दिन होने वाले हैं ना सुमन, इसे बेटा जो भी मैं पहले पेडागोजी के क्वेश्चंस करा चुका हूं या जो मैंने नहीं भी कराया है, मैं आपको संपूर्ण कराऊंगा। अब मैं वो चीजें तो बेटा नहीं छोड़ सकता ना। देखिए कुछ चीजें इसमें ऑब्वियसली बातें वो होंगी, मैंने आपको कराई होंगी, लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये पांच दिन क्लास अटेंड करिए और अपनी गणित पेडागोजी की समस्या को खत्म करिए, तो फिर मुझे आपको सारी चीजें करानी होंगी, इवन जो मैंने पहले भी कराई है, ताकि आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाए। राइट, बताओ क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी दशमलव संख्याओं की बात आए, डेसिमल नंबर्स की बात आए, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक TLM आना चाहिए, दैट इज ग्राफ पेपर। चाहे आप उनका जोड़ कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, घटा कर रहे हैं, उनको प्रदर्शित कर रहे हैं, आपके दिमाग में बात आएगी ग्राफ पेपर। इवन जो ग्राफ पेपर होता है वो आपका एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए भी प्रयोग होता है। अब ग्राफ पेपर की जरा पहले बात कर लेते हैं, यहां पर समझ लेते हैं। तो दशमलव संख्याओं का जोड़ घटा गुणा करने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन किसका? दशमलव संख्याओं की बात कर रहे हैं। आगे दशमलव संख्याओं को पढ़ने दर्शाने में प्रयोग किया जाता है, ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप दर्शाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सही है। तो ग्राफ पेपर से थोड़ा जल्दी जल्दी मॉक की तरह पढ़ाइए, मोहम्मद कह रहे हैं। बेटा देखो, कोई कहेगा जल्दी जल्दी पढ़ाओ, लेकिन कोई कहेगा समझा के पढ़ाओ, तो परेशान मत हो, मेरे पास पांच दिन है, ये पांच दिन मुझे दे दो और जैसा मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ाने दो, क्योंकि इस क्लास के बाद ना फिर आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और सेशन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि सर मैं मैथ्स पेडागोजी का सेशन फिर कहीं और भी जाकर देखूं, क्योंकि ऐसे थोड़ी, इतना टाइम थोड़ी आप यहां भी पढ़ रहे हो और कहीं भी जगह जाने की जरूरत पड़े, तो वो सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। अब इस सवाल पर आते हैं। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान होगा? मतलब दो आयत आपको दे रखे हैं जिनके आयाम यानी जो डायमेंशन है वो डिफरेंट है, यानी अलग अलग है, तो अब मुझे यह दर्शाना है कि उनका क्षेत्रफल समान हो यानी एरिया बराबर हो, तो कौन कौन से TLM का मैं यूज कर सकता हूं? ठीक है, तो यहां पर हमारा जो आंसर बनेगा, देखो पैमाने की अगर मैं बात करता हूं तो पैमाने से क्या होगा कि बाउंड्रीज जो हैं वो मापी जाएंगी, है ना, उसकी भुजाएं मापी जाएंगी, लेकिन जब तक मैं सूत्रों का प्रयोग नहीं करता, वो कह रहा है ना कि सूत्र का प्रयोग किए बिना, यानी सूत्र का प्रयोग नहीं करना, तो अगर सूत्र का प्रयोग नहीं करोगे तो लंबाई चौड़ाई माप भी लोगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई में लगा ही नहीं सकता, तो पैमाने का यहां पे प्रयोग नहीं किया जा सकता। धागा भी वही चीज करेगा, बाउंड्री मापेगा, नहीं किया जा सकता। हां जी, ग्राफ पेपर और टाइल आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, डेट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। टाइल से आप समझ गए होंगे, टाइल से हम क्या करेंगे, इस तरीके से उसका पूरा जो सरफेस है वो हम माप सकते हैं। और ग्राफ पेपर की सहायता से भी मैं आपको दिखा दूं कि जैसे मान लीजिए इस तरीके से ग्राफ पेपर है और यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने इस तरीके से दो रेक्टेंगल आपके लिए यहां पर बनाए हुए हैं, एक रेक्टेंगल आपका ये है, दूसरा रेक्टेंगल ये है। अब मैं बच्चे से कहूंगा बेटा इस रेक्टेंगल के अंदर देखो कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, तो बच्चा ना काउंट करेगा। कैसे काउंट करेगा, आपको भी दिख रहे होंगे ना, बच्चा ऐसे काउंट करेगा, दिख रहा है ना ये बॉक्सेस की मैं बात कर रहा हूं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे काउंट कर सकता है। तो 1 2 3 4 5 और ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 6 5 30, यानी इसमें कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 30 बॉक्सेस आ रहे हैं। अगर इस आयत में भी 30 बॉक्सेस ही आए तो मतलब इनका क्षेत्रफल समान होगा। तो चेक कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर देखो 1 2 3, हाँ सर 3 × 10 यानी कि 30 ही आ रहे हैं, यानी कि 30 यहां पर बॉक्सेस है, 30 यहां पर बॉक्सेस है, यानी बिल्कुल इनका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो क्या है, समान है बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। कक्षा चौथी में समरूपता और प्रतिबिंब, समरूपता और प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन
जैसे आप देखो ना ये सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन, आपके दिमाग में कौन सा टीएलएम आएगा जल्दी से बोलो, आपके दिमाग में कौन सा टीएलएम आएगा? छोटू कुमार बेटा बिल्कुल परेशान मत हो, ये 5 दिन क्लास अटेंड कर लो मेरी, पेडागोजी चमका के आओगे बेटा परीक्षा में, ठीक है? चलो आंसर करो सभी के सभी। देखो जब भी आपके सामने ये आएगा तो आपके दिमाग में बात आएगी डॉट पेपर की। किसकी बेटा? डॉट पेपर की। अब ऐसा है क्यों, आप वो भी समझाते हैं, समझाते हैं। डॉट पेपर है आपके सामने, क्या है डॉट पेपर? अब डॉट पेपर की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम पहले आपको समझा देते हैं। तो होता है कि एक पेपर होता है, इस पेपर पे क्या होते हैं डॉट्स बने हुए होते हैं, बच्चा उन डॉट्स को मिला मिला के अल्फाबेट बनाना सीखता है, अंग्रेजी जो अक्षर होते हैं वो बनाना सीखता है। जैसे मान लीजिए उसको एन बनाना है तो कैसे बनाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से इसने डॉट्स को जोड़ा और इस तरीके से डॉट जोड़ दिया, इसने एन बना दिया। ऐसे अगर वो टी बनाना चाहता है तो इस तरीके से वो टी बना रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी वो अल्फाबेट्स बनाना सीखता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहां पर वो दो आयाम की आकृति यानी 2D शेप्स भी बना सकता है इस तरीके से। आप देख पा रहे हो ये 2D शेप्स वो बना रहा है, इस तरीके से वो क्या बना रहा है, ट्राइंगल बना रहा है, राइट? तो 2D शेप्स भी बना सकता है। साथ ही साथ इसी के अंदर मैं सिमेट्री या फिर रिफ्लेक्शन की जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझा सकता हूं। कैसे? इसे मान लीजिए मैंने यहां पर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन डाल दी। अब मैं बच्चों को कहूंगा जैसा इधर है वैसा इधर है, इस तरीके से डॉट्स को ज्वाइन करती हूं, मैंने लाइन डाल दी जैसा इधर है वैसा इधर है, या मैंने इस तरीके से लाइन डाल दी तो मैं कहूंगा जैसा ऊपर वैसा नीचे, बच्चा कहेगा नहीं, तो हम कहेंगे इस रेखा के समक्ष ये समरूप नहीं है। हां लेकिन अगर मैंने लाइन ऐसे डाली तो ये समरूप हो जाएगा। सिमेट्री का कॉन्सेप्ट भी बच्चे को आप अच्छे से समझा पा रहे हो, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर जो हमारा आंसर बनेगा डेट इज ग्राफ आपका, सॉरी क्या, डॉट पेपर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो इसको जरा देख भी लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो अंग्रेजी अक्षरों ज्यामितीय आकृतियों 2D का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग किया जाता है, समरूपता का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। तो सिमेट्री को रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हम डॉट पेपर का यूज करेंगे। आगे हम आते हैं बेटा और बात करते हैं यहां पर 10 ग्राम की। किसकी? 10 ग्राम की। 10 ग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहां से सवाल किस तरीके से आते हैं पहले हम समझ लेते हैं आपका 10 ग्राम होता क्या है। तो 10 ग्राम क्या है बेटा, एक चाइनीज पहेली है यानी चीनी पहेली है, चाइनीज पजल इसको हम कहते हैं। ये क्या है? चीनी पहेली है यानी चाइनीज पजल है। क्यों? सबसे पहले सर्वप्रथम ये चाइना में यूज की गई थी बच्चों के लिए, ठीक है। और वहां पर होता क्या है, मतलब अब तो खैर ये हर जगह फैल गई, इवन इंडिया। एक बार रुकना बेटा, एक बार रुकना, हाँ बेटा देखिए देखिए देखिए, हाँ चाइना से आया, चाइना से आया। तो देखो होता क्या है, इस तरीके से आपके सामने एक पजल होता है। अब इस पजल में क्या क्या होता है वो समझ लेते हैं जरा, ठीक है। इस पजल में आपके पास देखो कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो त्रिभुज होते हैं, 5 ट्राइंगल्स होते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। एक होता है आपका पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज होता है, और एक होता है आपका स्क्वायर यानी कि वर्ग होता है। तो बच्चा क्या करता है ना, इनको जोड़ तोड़ करके अलग अलग आकृतियां यहां पर बनाता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर जो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो स्थानिक समझ होती है, वो विकसित होती है ना, कि इसको यहां लगाना है, इसको यहां लगाना है, इस तरीके से। अब देखो यहां पर इसके बारे में क्या क्या बातें कही गई, उन बात को जरा, उन बातों पर जरा गौर फरमाइएगा और वो आपको चीजें पता होनी चाहिए। छात्रों में स्थानिक समझ विकसित करता है, क्या विकसित करता है? स्थानिक समझ। ज्यामितीय आकृतियों की समझ विकसित करता है ना, अब बच्चे के अंदर ज्यामितीय आकृतियों की समझ विकसित होगी कि ये त्रिभुज है, ये समानांतर चतुर्भुज है, इस तरीके से। आगे ये चीनी पहेली है, इसमें 7 आकृतियां होती हैं, अभी बताया 5 त्रिकोण यानी त्रिभुज, एक वर्ग और एक समानांतर चतुर्भुज होता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। आगे सर अधिक से अधिक क्वेश्चन करा दीजिए जो आगे आपकी एमएस धोनी, आओ जरा इधर। क्वेश्चन देखो, 10 ग्राम यानी 10 ग्राम डॉट पेपर पैटर्न आदि का प्राथमिक स्तर पर उपयोग छात्रों को कैसे मदद करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा, सभी के सभी आंसर करें, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा।
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आंसर आपका बेटा क्या आएगा, स्थानिक समझ की क्षमता में वृद्धि होती है ना, स्थानिक समझ की क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं बेटा डाइंस ब्लॉक की। देखिए डाइंस ब्लॉक के बारे में अगर हम बात करें तो इससे जो हमारी परीक्षा में सवाल आते हैं उसके लिए सिंपल सिर्फ एक बात है कि आपको ना कुछ पांच बातें हैं, मुश्किल से पांच बातें हैं, वो ध्यान में रखनी है, वहीं से आपके सवाल परीक्षा में बनते हैं। डाइंस ब्लॉक का जो प्रयोग है, जो यूज है आपके लिए, चार बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन को समझाने के लिए वो यूज किया जाता है। अब ये चार बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, प्लस, मल्टीप्लीकेशन, माइनस और डिविजन, यही है। साथ ही साथ बच्चों को स्थानीय समझ यानी प्लेस वैल्यू की अगर आपने कंसेप्ट अवधारणा को समझाना है तो उसके लिए भी आप डाइंस ब्लॉक का यूज यानी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, स्थानीय मान की अवधारणा को समझाना है, प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट समझाना है तो उसके लिए भी डाइंस ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। अब यहीं पर हम आगे आते हैं, देखिए सवाल पर आते हैं। तो कहता है डाइंस ब्लॉक का यूज किस लिए किया जाता है, तो एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, डिविजन के लिए या फिर ऑल द अबव। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, हाँ बताइए क्या आंसर आएगा, चलिए आंसर करें सभी के सभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां बेटा जी डी थोड़ी है, ई है ना, अरे अरे थोड़ा सा और नीचे झांक कर देखो ना, ई दिख तो रहा है, ऑल द अबव है ना, उपरोक्त सभी, सभी के लिए यूज होगा ना बेटा ये, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सभी के लिए यूज होगा, तो ई हमारा आंसर होगा, डी का ही आंसर कर रहे हो। आओ जरा यहां पर कहता है निम्नलिखित में से किस अवधारणा को सिखाने के लिए डाइंस ब्लॉक का उपयोग नहीं किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, जल्दी से बताइए क्या आंसर है, डाइंस ब्लॉक का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो एडिशन की बात करें उसके लिए किया जाएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए भी किया जाएगा, प्लेस वैल्यू के लिए भी किया जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के लिए नहीं किया जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है, प्रायिकता हमारा यहां पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझते हैं कि सिमेट्री क्या होता है। पहले तो इसको अभी भी मैंने समझाया, बाकी इसको हम और अच्छे से देख लेते हैं। जैसे आपको ये फ्लावर दिख रहा है, फूल दिख रहा है, और मैं यहां पे इस तरीके से एक लाइन, जो इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, वो मैं इस तरीके से बना रहा हूं। तो आप देखोगे कि जैसा ये फूल इधर है, जिस इस फूल का इधर जो हिस्सा इधर दिख रहा है वही हिस्सा इधर दिख रहा है, यानी जो मैंने काल्पनिक रेखा खींची थी ये आपकी रेखीय समिति कहलाएगी, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, इसी को हम सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, और ये दो तरीके की होती है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है और ये रोटेशन सिमेट्री भी होती है, यानी घूर्णन समिति भी होती है। अब यहां से सवाल देखो कैसे आ रहे हैं, कहता है ठीक है, ये आपका सवाल पूछा भी गया है 20 दिसंबर को 2021 को ये सवाल पूछा गया कि समिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है, यानी अगर आप बच्चे को सिमेट्री सिखाना चाहते हैं तो आप कौन सी गतिविधि, कौन सी एक्टिविटी का यूज करेंगे। चलिए जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा, सभी आंसर करें बेटा। तो यहां पर अगर हम बात करें, जब भी आप बच्चे को सिमेट्री सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मैंने कई बार आपको बताया कि आप पेपर की सहायता से, पेपर फोल्डिंग मेथड से आप बच्चे को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए ये आपको किस शेप का दिख रहा है, आयतकार शेप का दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है। मैंने बच्चे से कहा कि अगर मैं यहां पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूं, यानी काल्पनिक रेखा डाल दूं, और इसके इसी के अबाउट मैं इसको क्या करूं, फोल्ड करूं, यानी मैं इस कागज को मोड़ दूं, और इसके अगर किनारे एक दूसरे के किनारे से मिल जाएं, यानी जो इसकी एजेस हैं वो कोइंसाइड कर जाएं, तो कहने का मतलब ये होगा कि ये जो मैंने काल्पनिक रेखा बनाई थी यही रेखीय समिति कहलाएगी। तो इसकी एक रेखीय समिति आपको यहां मिली, उसी तरीके से अगर मैं यहां पर इस तरीके से एक रेखीय समिति काल्पनिक रेखा बना दूं, उसके उसके समक्ष, उसके अबाउट अगर मैंने इसको फोल्ड किया तो भी ये मेरी एजेस क्या है, किनारे क्या है, मिल रहे हैं। तो बच्चे को मैं बता पा रहा हूं कि एक आयत के अंदर दो से रेखीय समिति होंगी, बच्चा चीजों को छू कर, फील करके अच्छे समझ पा रहा है। तो यहां पर हमारा जो आंसर बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी एंगेजिंग स्टूडेंट इन पेपर फोल्डिंग एक्टिविटीज। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये रहा आपके लिए अगला सवाल। कहता है यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे उपयुक्त है, और मैंने उदाहरण भी दे रखा है, हिंट दे रखा है आपको। चलो भाई जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, चलिए आंसर करें।
चलिए, तो मैं देख पा रहा हूं यहां पे बच्चे कुछ बी आंसर कर रहे हैं, कुछ डी आंसर कर रहे हैं। बेटा जी देखो, संख्या चार्ट यहां पर नहीं होगा, यहां पे जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा पेपर स्ट्रिप्स, यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स, यानी कि कागज की पट्टियों से, यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स हमारा राइट आंसर हो। कुछ ए भी आंसर कर रहे हैं, यूजिंग एलसीएम मेथड, ना एलसीएम नहीं बेटा, ठीक है। यहां पे आंसर क्या बनेगा, कागज की पट्टियों से। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो आप सबसे पहला बात ये होगा कि आप उसको कंक्रीट, जो भी आपकी है ना, जो भी आपका मूर्त चीज है, मतलब जिसको बच्चा छू सकता है, फील कर सकता है, किसी ना किसी टीएलएम की सहायता से बच्चे को सिखा सके, तो पेपर स्ट्रिप इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। उससे आप कैसे समझा सकते हैं आपको बताते हैं। इसे मान लीजिए ये ऑरेंज कलर की पट्टी है, ये येलो कलर की पट्टी है, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको तीन बराबर हिस्सों में इस तरीके से बांट दिया है ना। तो एक बटा तीन क्या होता है, बच्चे को हम बताएंगे कि एक किसी चीज को आपने तीन बराबर हिस्सों में बांट दिया। एक चौथाई क्या होता है, आप बच्चे को बताएंगे इसमें हमने किसी एक पूरी चीज को चार बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब बच्चा ना फील कर पाएगा, समझ पाएगा कि हाँ अच्छा, अगर ये एक चौथाई है, यानी एक हिस्सा है, इन चार हिस्सों में से एक चौथाई इसको प्रदर्शित कर रहा है ना, ये किसको प्रदर्शित करता है, एक चौथाई को, तो मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। बच्चा इसे फील कर पा रहा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, यानी वो कहेगा हाँ एक तिहाई क्या है, बड़ा है, किससे, एक चौथाई से। तो हम समझाना चाहते हैं, तो जब भी बच्चे को समझाना होगा हम किसी ना किसी टीएलएम का यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ठीक है। इस सवाल पर आते हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। बस करो भाई, बस करो, काहे काहे बतिया रहे हो आपस में, आओ जरा यहां पर क्या कह रहा है। देखो बेटा, पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, अब बहुत ध्यान समझना, कुछ बातें पहले हम समझ लेते हैं और उसी के माध्यम से फिर हम देखेंगे क्वेश्चन आ रहे हैं किस तरीके से आपके सामने। देखो पैटर्न जो प्रतिमान होता है को समझने से बच्चों को गणित की जटिल संक्रियाओं को आसानी से सीखने में मदद मिलती है। हम प्राथमिक स्तर पर जो पैटर्न होता है बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, ताकि वो उच्च स्तर पर जाकर जो भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे एलजेब्रा हो गया, ठीक है, उनको भी बच्चों को समझने में मदद मिलती है। बिकॉज एलजेब्रा है क्या, एलजेब्रा के अंदर भी तो यही होता है, नंबर सेंस होता है ना, यहां पर आप आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, आप लिंकेज करते हैं, तो नंबर पैटर्न में भी क्या होता है, संख्याओं के बीच में आप लिंकेज करते हैं, वहां पर कौन से सूत्रों को कौन से क्वेश्चन में यूज करना है आप लिंक करते हैं। तो पैटर्न एक बहुत छोटा सा टॉपिक है प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ाया जाता है, लेकिन जब आप अपर लेवल पर जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स जो आपके टॉपिक्स होते हैं उनको समझने में मदद मिलती है। यहां पर कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग पैटर्न हेल्प चिल्ड्रन ऑफ मैथमेटिक्स इजिली लर्न कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पैटर्न प्रतिमान जो है अधिगमकर्ताओं के, जो लर्नर्स हैं, उनको में बीज गणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं, है ना, जो बेसिक एलजेब्रिक जो कंसेप्ट्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं बहुत इजीली, अगर बच्चे को पैटर्न उसने प्राथमिक स्तर पर अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो बीज गणित में क्यों हम कह सकते हैं कि बीज गणित में नियम होते हैं और संख्या क्रम होते हैं जो एक पैटर्न में भी होते हैं। अब जैसे पैटर्न में क्या होता है, इसे दो हो गया, चार हो गया, छह हो गया, तो अगला क्या आएगा, तो बच्चा बोलेगा दो दो का अंतर चल रहा है, यानी कि आठ आएगा, तो ये क्या है, संख्या क्रम है। और यही संख्या क्रम आपको एलजेब्रा में भी देखने को मिलते हैं, तो बच्चा जो है इन मैथमेटिकल टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से समझ पाता है। अब अगला सवाल देखिए, ये आपके सामने कहता था मेन गोल ऑफ एनसीएफ 2005 इज टू मैथमेटाइज द चिल्ड्रन माइंड, है ना। अच्छा यहां पर देखिए बातें हैं, अभी 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 हम थ्योरी ही कर रहे हैं, तो कहता है एनसीएफ 2005 का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, कि हम बच्चे के दिमाग को गणितीकरण कर सके, मतलब जो बच्चा गणित सीख रहा है वो अपनी दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सके। एनसीएफ 2005 का ये मेन मोटिव है, मेन गोल है। आगे कहा जाता है एनसीएफ फोकसेस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ एनी टॉपिक, इट डिस्करेजेस रोट मेमोराइजेशन, यानी वो रट्टाफिकेशन पे मना करता है और सिर्फ जोर देता है किस पर, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, ठीक है। आगे मैथमेटिक्स इंक्रीजेस लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिवनेस, सिंपल सी बात है कि तार्किक सोच और सृजनात्मकता जो है बच्चे के अंदर वो विकसित होती है। अब जैसे हम मान लीजिए ये आपके सामने हम दिखा रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये खेल के माध्यम से बच्चा पैटर्न सीख रहा है ना,
तो यहां पर देखो क्या कह रहे, टेकिंग वेरियस शेप्स एंड साइजेस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड ट्राइंग टू मेंटेन देम इन स्पेसिफिक ऑर्डर टू क्रिएट सीरीज। अब अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसकी सहायता से बच्चा क्या कर रहा है, सीरीज बना रहा है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, प्रतिमान जो पैटर्न की अवधारणा है वो भी विकसित होती जा रही है। समझ रहे हैं, खेल खेल के माध्यम से वो पैटर्न को सीख रहा है। आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर भी क्या कर रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स लगा रहा है। आपके लिए यहीं पे बोला गया है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स के विभिन्न आकार एवं आकृतियां लेना और एक श्रृंखला बनाने के लिए उन्हें विशिष्ट क्रम में बनाए रखने का प्रयास करना, यह छात्रों को मानसिक गणित कौशल विकसित करने में मदद करता है जो उन्हें कई समस्या समाधान स्थितियों में सहायता करेगा। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से इतना आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा। आगे हम बात करते हैं, अब इस पर आधारित भी आपके एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा और पूछे गए सवाल दिखाएंगे। आगे समझते हैं और हम किन गतिविधियों के माध्यम से प्रतिमान यानी पैटर्न को बच्चे को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो मोतियों को एक तार में रखना, जैसे बच्चा क्या कर रहा है, मोती ले रहा है, उसको तार भी क्या कर रहा है, पिरो रहा है, है ना, इस तरीके से ये भी बच्चे इस तरीके से कर रहा है। तो यहां पर क्या कर रहा है कि पैटर्न को, प्रतिमान को वो अच्छे से यहां पर समझ पा रहा है। और कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, क्रिएटिंग अ पैटर्न इन द मील्स चिल्ड्रन कंज्यूम थ्रू आउट द डे, कि बच्चे का एक जो पैटर्न है वो बना दिया जाए और कि जो जो उस बच्चे ने एक दिन में जो जो मील लिया है ना, उस मील के अंदर उसने क्या क्या लिया है, कितने अंतराल पर उसने लिया है, उसका पूरा पैटर्न बनाना। राइटिंग द लेटर्स एंड लुकिंग फॉर द मिसिंग वंस, अब लेटर्स दे दिए जाए, जैसे ए बी सी ब्लैंक छोड़ दिया, उसके बाद क्या आएगा, डी आएगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। अब देखो यहीं से आपके एग्जाम में सवाल आया, सीटेट पेपर 1 23 दिसंबर 2021 को, कहता है पैटर्न का पहचान और उनकी पूर्णता प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम एक अनिवार्य हिस्सा है। ध्यान से समझिएगा, पैटर्न की पहचान और उनकी पूर्णता, या पैटर्न की पहचान और उसकी पूर्णता प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्यों है आपने ये बताना है। विकल्प आपके सामने है, आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बेटा जी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, ठीक है। चलो आते हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, ठीक है। यहां पर आपसे कह रहा है कि पहली बात, गणितीय पहेलियों को हल करने में छात्रों की सहायता करना, ठीक है। प्रमोट क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट, हेल्प देम टू अंडरस्टैंड दी प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशन, डेवलप्स क्रिएटिविटी इन आर्टिस्टिक एट्रीब्यूट्स इन स्टूडेंट, प्रिपेयर स्टूडेंट टू एंगेज विद द हायर मैथमेटिक्स। तो अभी अभी मैंने आपको ये बताया था कि पैटर्न यानी प्रतिमान का हम जो प्रयोग है वो क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, देखो सारे आपको ना अच्छे लगेंगे, सारे ऑप्शन आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर आपको बातें पता है तो आप गलत नहीं करोगे। तो यहां पर प्रमोट क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट, हेल्प देम टू अंडरस्टैंड दी प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशंस, मैंने बताया था ना कि नंबर्स और ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज को वो समझता है, उसके अंदर क्रिएटिवनेस डेवलप होती है, जिससे वो हायर लेवल पर मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से समझ पाता है। सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, यानी छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, उन्हें संख्याओं और संचालन के गुणों को समझने में मदद करता है, और यहीं से वो आगे जाकर जो उच्च स्तर पर एलजेब्रा जैसे टॉपिक होंगे उनको समझने में उसको मदद मिलेगी। आगे, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा क्यों है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, 27 दिसंबर को यह सवाल आपसे पूछा गया 2021 को, आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा। चलिए चलिए बेटा देखिए जरा क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर है ना पैटर्न जो है महत्वपूर्ण क्यों है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, एक ऑप्शन आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4, बहुत बढ़िया,
देखो अब गलत नहीं करना, अब इतनी थ्योरी पार्ट पढ़ाए क्यों पढ़ाए, ताकि आप सही करो। तो क्या कह रहा है, पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं, यानी पैटर्न्स डेवलप द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलजेब्रा अमंग लर्नर्स। अभी यही तो बताया था मैंने आपको, क्या कि जो एलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट से उनको स्ट्रॉन्ग कर पाएगा बच्चा, अगर वो पैटर्न पढ़ पाएगा प्राथमिक स्तर पर, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। सोचने की बात नहीं है भैया, आंसर होना चाहिए। आगे सीटेट में आपका सवाल पूछा गया 11 जनवरी 2022 को, देखो पैटर्न से सवाल पूछा जा रहा है। कहते हैं श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे सहायक और सिद्ध होगी। मैंने आपके अंदर ना कंसेप्ट छाप दिए हैं, अगर आप इस क्लास को देख लोगे तो आप सवालों को कभी गलत नहीं करके आओगे। अब जैसे आपने इस सवाल को देखा और आप इन विकल्पों को पढ़ोगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, अरे बिल्डिंग ब्लॉक आ गया सर, बिल्डिंग ब्लॉक। अरे सर ने दिखाया था, बच्चे बिल्डिंग ब्लॉक लगा लगा के पैटर्न यानी प्रतिमान की अवधारणा को समझ रहे थे, एक सीरीज में लगा रहे थे, यानी कि छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने को कहना, यानी कि विकल्प 4 हमारे यहां पर करेक्ट आंसर। अभी दिखाया था ना, अभी समझाया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है भाई, बात समझ में आ रही है, परफेक्ट है, मजा आया कि नहीं आया, मजा आया सर। अगला सवाल अभी रुको, अभी तो और देंगे बेटा आपको सवाल, अगला सवाल लो, बताओ क्या आंसर आएगा, चलो आंसर करो। चलो अब देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान या पैटर्न के अवधारणा विकास का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है, सबसे हायर लेवल कौन सा हो सकता है। अगर कोई बच्चा कुछ चीज को सीख कर उसका निर्माण खुद करने लगे तो सबसे उच्च स्तर होता है। तो यहां पर कह रहे हैं नए पैटर्न का सृजन करना, यानी कि क्रिएटिंग न्यू पैटर्न, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है, यही हमारा सबसे हायर लेवल होगा। ठीक है, अब देखो हम आपको स्तर भी समझाते हैं, इनिशियल बताओ इस पे इनिशियल सबसे लेवल कौन सा होगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पैटर्न, यानी पैटर्न की पहचान करना, ये सबसे प्राथमिक स्तर है, ये सबसे पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है बेटा, ये फर्स्ट स्टेज है, बस समझ रहे हो, ये पहला स्तर है। कुल 4 स्तर होते हैं पैटर्न को समझने के लिए, दैट इज द फर्स्ट स्टेज है ये। फिर दूसरा है कि पैटर्न का विस्तार करना या पैटर्न की नकल करना, अब इनमें से कौन सा आपका होगा बताओ, पैटर्न की नकल करना या पैटर्न का विस्तार करना। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर आप एक्सटेंशन ऑफ पैटर्न, इमिटेटिंग ऑफ अ पैटर्न, तो पहले आप इमिटेट करोगे, देन उसका फिर क्या करोगे, एक्सटेंशन करोगे, आपने उसकी पहचान कर ली, देन आप उसकी नकल करने जा रहे हो, नकल करते हुए आपने क्या, आप क्या करेंगे कि आप उसका एक्सपेंशन करेंगे। तो ये आपका सेकंड और ये थर्ड और ये सबसे लास्ट में, यानी कि फोर्थ वन आपका हो जाएगा, डेट विल बी द लास्ट स्टेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियां पढ़ाने का उद्देश्य है, आकृतियां पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, आकृतियां पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, आपसे यह पूछा जा रहा है, आंसर करें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखो बेटा पहले विकल्प पर आते हैं, दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, या फिर टू डेवलप विजुअलाइजेशन स्किल, दोनों। देखिए जहां आपकी विजुअलाइजेशन स्किल डेवलप होगी वहां स्पेशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, मैंने आपको बताया था दोनों इंटरलिंक्ड है, और मेरे ख्याल से आगे होगा भी स्पेशल, है ना। देखो है टू एनहांस स्पेशल रीजनिंग एबिलिटी, तो अगर ये डेवलप होगी तो फिर ये भी डेवलप होगी, यानी अगर ए है तो सी भी होगा। आगे टू मेमोराइज द नेम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, जहां पर वर्ड मेमोराइज आ गया उसको देखते ही हटा देना भैया, है ना,
हाँ स्मरण करने की बात कहां से आ गई, ये नहीं होगा, ये गलत है। बी विकल्प आपका क्या हो गया, गलत हो गया। आपको बताया था एनसीएफ 2005 इसकी सहमति नहीं देता है, तो आपका हेलो बेटा थोड़ा सा यहाँ पे कुछ क्लास में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, है ना। आप देखो अब ठीक होगा, अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, देखो एक बार चेक करो, अब ठीक है। हाँ वो थोड़ा ना सिस्टम एरर आ गया था, अब ठीक है क्या, परफेक्ट है। ओके बेटा ओके, ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया एक बार। अच्छा ये समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो, एक बार प्यारी पे ऐसे दिल और स्माइली दे दो बेटा, एक बार दिल स्माइली दे दो बेटा, वो तो देते नहीं आप। एक बार बताओ, हम आपके लिए मैं तो मैं कह रहा हूं आपके लिए, क्यों, मैं तो अपने लिए कर रहा हूं, मैं चाहता हूं ना कि मेरा हर एक बच्चा मेरे से सिलेक्शन लेकर जाए, है ना। तो भाई मैं तो अपना सिलेक्शन का परसेंटेज बढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। तो एक बार बताओ लाइक और शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे, है ना। तो भाई सभी एक बार जितने ही बच्चे सेशन में एक बार लाइक और शेयर कर दो, अगर सेशन में मजा आ रहा है तो। एक बार रुकना बेटा, हाँ तो भाई देख लेते हैं एक बार हमारे बच्चे जो हैं लाइक वाइक कर रहे हैं नहीं कर रहे, एक बार खोल कर देख लेते हैं कितना लाइक हो रहा है, कितना लाइक वाइक शेयर वेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। सीटेट क्लासेज बाय टेस्ट बुक सुपर कोचिंग, है ना, सीटेट क्लासेज बाय टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। हाँ भाई तो यहां पर हमारे शेर और शेरनी सेशन देख रहे हैं, है लाइक देखना सिर्फ 164 लाइक, क्या क्या मतलब, ऐसे नहीं भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा बेटा, लाइक कर दो सारे के सारे एक बार सेशन को, है ना। अगर सेशन में मजा आ रहा है तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो सभी, ठीक है, एक बार जल्दी से मुझे सेशन को लाइक करेंगे अगर मजा आ रहा है सेशन में तो, ठीक है, ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर होगा। चलो अब आज के सेशन का एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देते हैं, देन फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है बेटा आज के सेशन का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है। और कल मैं आप सभी के लिए ठीक 12 बजे एक बेहतरीन क्लास लेकर आऊंगा। आज मैं शाम को 5:30 बजे आप सभी के लिए बेहतरीन क्लास लेके आ रहा हूं, उसको भी आप अटेंड करना मत भूलना। और साथ ही मैं आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो दूंगा जहां मैं आपको बताऊंगा कि DSSP में जो आपका मैथ्स का सेक्शन है वो आपने कैसे तैयार करना है, उसकी भी एक वीडियो आपके लिए आ जाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों से कल के सेशन में और आज शाम को 5:30 बजे। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया है कि पेड बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जहां पर आपको मेरी जो क्लासेस हैं टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, कंसेप्ट के साथ कंप्लीट क्लासेस अवेलेबल हैं, तो वो आप जुड़ सकते हैं। ये मैंने आपको नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। साथ ही हिमांशु इस कोड का आप यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा, और अभी ये 5 दिन आपने मेरे साथ 5 मैराथन जरूर अटेंड करनी है। जय हिंद जय भारत, नमस्कार, आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।